Hey guys, here is me Aksakyani and I'm here to bang your mind. Today, I'm going to present the rest part of the previous video, Ruby. And if you have not seen that video yet, watch that video first and I will give you the link of that video in the description box below. So, without any further delay, let's come to our today's lecture. But before this, if you have not subscribed to my channel, do it so that you can get every my new upcoming video. Let's move on. Topic which we are going to discuss today is Ruby, which is written by Isaac Asimov. And as you can see कि मैंने एक outline create कर दी है आप लोगों की self guidance के लिए, ताकि आप लोगों को इस chapter का एक overview मिल सके और प्लस आपको पता लग सके कि इसमें कौन से मेजर कंसर्न्स और मेजर एस्पेक्ट्स हैं विच वी आर सपोज टू कवर इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज टेक्नोफोबिया विच इज़ वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ दिस चैप्टर विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन दिस लेक्चर इन डिटेल एज वेल. द सेकेंड वन इज द थ्री लॉ ऑफ रोबोटिक्स विच इज़ गिवन बाय आइज़ैक एसिमोव. द थर्ड वन इज द नोशन ऑफ पॉजिट्रॉनिक रोबोट्स ब्रेन. ये बेसिकली एक फिक्शनल टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जो कि साइफ़ फिक्शन या साइंस फिक्शन में हमें देखने को मिलती है और ये ओरिजिनेट की आइज़ैक एसिमोव ने और प्लस उसने ये यूटिलाइज़ की अपने फिक्शनल वर्क्स में. जैसा कि ह्यूमन के सिस्टम में जो चीज़ एज अ सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करती है वो होती है हमारा ब्रेन, एज इट इज़ जो रोबोट में फंक्शनिंग करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे वो होता है उनका पॉजिट्रॉनिक रोबोट ब्रेन. और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये उन्हें अ सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करती है, एक अवेयरनेस देती है या उनको एक्नॉलेज करती है जिसे वो रिकग्नाइज कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को. अब जो चीज़ इस पॉइंट में नोटेबल है वो है फिक्शनल. फिक्शनल चीज़ वो होती है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो हमें फिक्शनल वर्क्स में देखने को मिलती है. जैसा कि क्योंकि जो फिक्शनल वर्क्स होते हैं वो बेस्ड करते हैं हमारी इमेजिनेटिव वर्ल्ड पे और इंटेलेक्ट पे. इट्स मीन कि पॉजिट्रॉनिक रोबोट ब्रेन्स की ये जो टेक्निक है ये इन रियल एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये हमें फिक्शनल टेक्नोलॉजिकल जो वर्क्स होते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड वर्क्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलती है. द नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. एंथ्रो मीन्स ह्यूमन एंड मॉर्फिज्म मीन टू अल्टर द शेप और द फॉर्म ऑफ समथिंग. और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन बींग्स के करेक्टरिस्टिक्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके इमोशंस, थॉट और फीलिंग जो हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं नॉन ह्यूमन बींग्स को. और हमें ये टेक्निक्स थ्रू आउट इस चैप्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि आइज़ैक एसिमोव ने रोबोट्स के लिए इट की जगह जो वर्ड रिप्लेस करके लिखा है वो है हिम, वो उनको एंथ्रोमॉर्फाइज कर सके. नेक्स्ट वन इज़ द रूबी अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट. और अब जो रोबोट है यहाँ पे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को. कि पहले जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को एज अ केयर टेकर और नर्समेट के तौर पे यूज़ किया जाता था और लेबर वर्क के लिए उनको यूटिलाइज किया जाता था, फिर उनको रिप्लेस कर दिया गया रोबोट्स के साथ. द नेक्स्ट वन इज़ मैन वर्सेस मशीन विच इज़ वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ दिस चैप्टर. और हम देखते हैं कि इसमें जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड एक परसेप्शन डिवेलप किया गया है दैट इज़ सम हाउ पोर्ट्रेड इन अ नेगेटिव सेंस. क्योंकि जब हम इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो रूबी है वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंस शो करता है. सेकेंडली वो बहुत काइंड, लविंग और मॉरलाइज किस्म का जो है वो रोबोट है. क्योंकि मिस्टर वेस्टर्न के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली रूबी जो है वो मोस्ट ट्रस्टवर्थी और ट्रस्ट एबल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन नर्समेट. और मिसेस वेस्टर्न के लिए वो ओबीडियंस शो करता है. और थर्डली बात का ख़ास ख्याल रखता है कि ग्लोरिया की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना हो जाएं उसकी वजह से, इसीलिए वो उसकी हर एक बात मानता है. और जब हम इसको कंपेयर करते हैं ग्रेस वेस्टर्न के करेक्टर से तो हम देखते हैं शी इज़ द वन जो कि अपनी ही बेटी को डिप्राइव्ड कर देती हैं या महरूम कर देती हैं उस चीज़ से जिसमें उसकी खुशी होती है. और वो कहती हैं चिल्ड्रन ग्रीव्स आर नो लॉन्ग लास्टिंग.
एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन। और हम देखते हैं कि होल जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है एक ह्यूमन और मशीन के दरमियान, ग्लोरिया और रूबी के दरमियान, और इनका जो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे, फ्रेंडशिप पे और अंडरस्टैंडिंग, एफेबिलिटी, इत्तेहाद की बुनियाद पर होता है। अब नेक्स्टली हम इस चैप्टर को नरेटर के पर्सपेक्टिव के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि आइज़क एसिमोव ने जो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है वो अराइज किया है, दैट वाज द इशू ऑफ टेक्नोफोबिया। और उसने इन अ नटशेल जो हमें एक मॉरल लेसन दिया है, या उसने एक अपनी तरफ से कोशिश की है, उसने दो डिफरेंट ह्यूमन रेसेस, दैट वाज द रेस ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स, उन दोनों को आपस में इंटरमिक्स या इंटरमर्ज करने की कोशिश की है। फर्दर मोर आइज़क एसिमोव ने जो राइटर्स के पर्सपेक्टिव में कैसे एडवांसमेंट हुई रिगार्डिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो इसमें डिपिक्ट किया है, और मज़ीद उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की मॉरल इम्प्लिकेशंस के लिए या साइंस और टेक्नोलॉजी को वो प्रेस्टीज देने के लिए उसने कुछ रिफॉर्मेशंस की टेक्नोलॉजी में, जिनमें से कुछ ये हैं, द फर्स्ट वन इज़ पॉजिट्रॉनिक ब्रेन, द सेकंड वन इज़ एंथ्रोमॉर्फाइज रोबोटिक ट्राइएड्स, द थर्ड वन इज़ रीफ्रेमिंग द लैंग्वेजेस, एंड फोर्थ वन इज़ थ्री लॉ ऑफ रोबोटिक्स। और उसने 21 सेंचुरी से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस दी थी, विच आई विल टेल यू लेटर ऑन। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। इसलिए वी हैव टू नो व्हाट इज साइफर फिक्शन। साइफर फिक्शन बेसिकली हमारे पास एक जॉनरा होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन का। स्पेकुलेटिव से मुराद है सपोजिशनल, मतलब जिस चीज़ को हम लोग सपोज कर सकते हैं और जो हमारे इमेजिनेटिव या इंटेलेक्चुअल माइंड में प्रेजेंट होती है जो चीज़, उसको हम लोग स्पेकुलेटिव फिक्शन बोलते हैं। और ये जो है ये बेसिकली डील करती है हमारे इमेजिनेटिव वर्ल्ड से एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से। फ्यूचरिस्टिक से मुराद ये है कि जो चीज़ माइट बी अभी प्रेजेंट में भी वो मौजूद ना हो, लेकिन हम प्रेडिक्शन से ये बात कह सकते हैं कि माइट बी ये हमें फ्यूचर में कहीं देखने को नज़र आ जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट आइज़क एसिमोव एंड हिज नरेटिव पर्सपेक्टिव्स। आइज़क एसिमोव एक ह्यूगो अवार्ड विनर है, और ह्यूगो हमारे पास एक वेबसाइट है, और इसके अलावा वो एक प्रोलिफिक साइंस फिक्शन के राइटर हैं। प्रोलिफिक से मुराद है हमारे पास वो राइटर जो कि फॉरसाइटर होता है और वो डिफरेंट किस्म की प्रेडिक्शंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं करती या एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो तो अपनी प्रेडिक्शंस के थ्रू बताते हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में पॉसिबल है। इसके अलावा ये वो फर्स्ट पर्सन थे हिस्ट्री में जो कि बहुत ज़्यादा रिले करते थे मशीन पे, इवन मोर देन ह्यूमन काइंड्स। एक फिक्शनल वर्ल्ड रोबोट से रिलेटेड जो है वो क्रिएट की थी, और इन्होंने ह्यूमन और मशीन के इंटरेक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग किस्म के क्वेश्चन जो थे वो रेस किए थे, जो कि बेस्ड करते थे ह्यूमन साइकोलॉजी पे, और क्वेश्चन रेस करते थे उनकी मॉरेलिटी पे। और उन्होंने कहा कि हर एक गुजरते दिन के साथ इंसान कोशिश कर रहा है टूवर्ड बेटरमेंट, और पहले से ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, और उसने बहुत ज़्यादा मशीन्स क्रिएट कर दी हैं, और वो इंटर हो रहा है न्यू गैलेक्सीज में, और वो यूनिवर्स में मौजूद जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के जो हिडन ट्रूथ्स हैं उनको अनवील करने की कोशिश कर रहा है। अब जो एसिमोव का नेचुरल इंटरेस्ट था टूवर्ड रोबोट्स, उसकी वजह से उन्होंने जो इशू था टेक्नोफोबिया से रिलेटेड उसको एक्नॉलेज किया। अब टेक्नोफोबिया जो है वो बेसिकली फियर ऑफ मशीन है, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि मशीन्स जो हैं वो उनके लिए हार्मफुल हैं, और सेकेंडली उनकी ये सोच है कि ऐसा पॉसिबल है कि मशीन्स जो हैं वो हम पे डोमिनेंस हासिल कर सकते हैं या ह्यूमन पे ओवरपावर हो सकती हैं। इस बात को ले के जो ह्यूमंस के माइंड में एक फोबिया है उसको हम टेक्नोफोबिया कहते हैं। आइज़क एसिमोव के अकॉर्डिंगली टेक्नोफोबिया क्या है? टेक्नोफोबिया इज़ अ मॉर्बिड फियर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस।
टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ जो ह्यूमन के माइंड में एक मॉर्बिड किस्म का फेयर जो पैदा हो गया उसको टेक्नोफोबिया कहा गया। मॉर्बिड से मुराद है पैथोलॉजिकल, यू कैन से दैट डिजीज्ड लाइक ग्रूसम, मकाब और फ्राइटफुल सॉर्ट ऑफ। और अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो ह्यूमंस ने रोबोट्स को खुद क्रिएट किया, लेकिन इसके कुछ अरसे के बाद ही उनके माइंड्स में एक इरेशनल किस्म का और इलॉजिकल किस्म का फियर्स जो है वो पैदा हो गया, और वो समझने लगे कि ये जो एक जीनियस और कम्प्लेक्स किस्म की जो क्रिएशन उन्होंने क्रिएट की है, इसकी वजह से वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं और उनको ओवरथ्रो करने की जो कैपेबिलिटी है वो रखते हैं। अब ये जो पॉइंट था ये जस्टिफाइबल तब था जब जो रोबोट थे वो मोर मशीन लाइक और लेस ह्यूमन लाइक्स थे, लेकिन जब इंसान ने अपने ही एक क्रिएशन को अपने क्लोज करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन की और जब वो लेस मशीन लाइक और मोर ह्यूमन लाइक हो गए और उनमें ये एबिलिटी जो है वो प्रोड्यूस हो गई कि वो वर्बली तौर पर कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया उन्होंने दूसरों के साथ, तो इस मॉडिफिकेशन की वजह से वो मोर मशीन लाइक हो गए और डीह्यूमनाइज हो गए और उनके माइंड्स में टेक्नोफोबिया का कॉन्सेप्ट इनकलकेट हो गया और वो रोबोट्स को अपनी लाइफ में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और फिर उन्हीं के अगेंस्ट जाके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये अननेचुरल बीन है, एंटी रिलीजियस एंटिटी है और उनमें एक स्पार्क पाई जाती है इंटेलिजेंस की, लेकिन उनकी आंखों में कोई जो सोल है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वजह से उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं है और वो जो हैं वो फ्री ऑफ ह्यूमन एरर्स हैं। अब जब वो राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर चाहे वो जो मर्जी करें, दैट थिंग डजंट मैटर एट ऑल। और इस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से जो ह्यूमन का एक जो वे ऑफ थिंकिंग था, उनकी जो डायमेंशन थी वो टोटली चेंज हो गई, बिकॉज सूनर और लेटर द डिफरेंट स्कार्स द पीपल। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट उनकी लाइफ में पड़ा वो था रोबोटिक इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से ह्यूमन को रिप्लेस करके जगह रोबोट्स को दे दी गई और उनसे यूनियन का काम लिया जाने लगा, और इस बात का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हुआ लोअर क्लास और उनकी लाइवलीहुड पे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मिस्टर वेस्टर्न की फैक्ट्री में जो वर्कर्स एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स होते हैं। इसके अलावा जो लोगों ने क्वेश्चन रेज किया वो था कि रोबोट की क्रिएशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेडलिंग इन नेचर। मेडलिंग से मुराद है मुदाखलत करना, तो उन्होंने बोला कि जो रोबोट्स हैं उनकी क्रिएशन जो है वो यूनिवर्स या नेचर उसमें मुदाखलत करने के बराबर है, लेकिन एसिमोव ने उसने बोला कि ये सिर्फ एक इलॉजिकल और इरेशनल फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, और इसकी रीज़न जो उसने बताई वो ये है कि इंसान को खुद इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हाउ समथिंग वर्क, कि कोई चीज़ किस तरह से काम करती है। थिंग इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, कि जब हम किसी कोई काम करते हैं तो हमें एक ये पॉसिबिलिटी भी रखनी चाहिए कि इसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इसके हमेशा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आएँ। और ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम मिसयूज़ करते हैं मशीन्स का। और इसके अलावा टेक्नोफोबिया की जो और हमारे पास फॉर्म है उनमें से एक ये है कि पर्सन की जो पर्सनल एंजाइटी होती है या उसमें जो कॉम्पिटेंस या उसमें इस बात की सलाहियत नहीं होती कि वो न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे हैंडल करे, वो ये बात नहीं जानता और इसी वजह से वो इस बात को लेके क्यूरियस होता है और टेक्नोफोबिया का शिकार हो जाता है। और जब वो मशीन को असेस नहीं कर सकता और वो खुद में वो स्किल्स डिवेलप नहीं कर सकता तो उसके माइंड में ये आता है कि वो सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और इसी वजह से वो टेक्नोफोबिया का शिकार हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन अराइज करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू आइज़क एसिमोव। द लास्ट वन इज़ द मैंस फियर ऑफ लॉस, विच इज़ वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस।
और बेसिकली उसने इसमें पोर्ट्रे किया है कि जो मैन का फियर है मशीन्स को लेके, वो एक इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि मशीन्स जैसा कि रोबोट को वो जो हैं उनको सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि वो फॉलो कर सकें कमांड्स ऑफ इट क्रिएटर्स, और वो हार्मलेस हैं। और राइटर जो है उसने प्रूव किया है अपने पॉइंट को रोबी में बहुत ब्रिलियंटली, और उसने इसको एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन रोबोट एंड ह्यूमन बीइंग उसके थ्रू उसने इसमें डिपिक्ट किया है। रूबी जो है वो नर्समेट ऑफ ग्लोरिया है, और उनका जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एफेबिलिटी की बेसिस पे जो है वो क्रिएट होता है। हाउएवर हम देखते हैं कि जो मिसेस वेस्टन और ग्रेस वेस्टन जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल होती हैं रूबी की तरफ, और वो सोचती हैं कि जो रूबी है उसकी तो कोई सोल ही नहीं है और वो किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता, और इसीलिए वो चाहती थी कि इसे तो राइट और रॉन्ग का डिफरेंट पता ही नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता, इसमें ही फीलिंग्स नहीं हैं, तो इसीलिए वो उसको ग्लोरिया से दूर करना चाहती थी। और उसके अलावा वो उसे सिर्फ एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी, और वो उसे कहती थी कि ये सिर्फ एक एंटीपैथेटिक पीस ऑफ मेटल है एंड नथिंग एल्स। और वो सिर्फ इस बात से कंसर्न थी कि उस रोबोट के उसकी डॉटर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते थे। चूँकि ग्लोरिया हर वक्त रूबी के साथ खेलती रहती थी और किसी और चाइल्ड के साथ नहीं खेलती थी, और उसका कोई और फ्रेंड नहीं था, इसी वजह से मिसेस वेस्टन जो ये थी वो ये बात सोचती थी कि अगर वो रूबी के साथ ही ज़्यादा सारा टाइम खेलती रहेगी तो वो सोशलाइज्ड कैसे ही होगी और उसमें सोशल स्किल जो हैं वो कैसे डिवेलप होंगे नहीं। और ये बात एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर हम इसको आज के सिनेरियो में 21st सेंचुरी में इम्प्लीमेंट करके देखें तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हम पे डोमिनेंस हासिल कर ली है एंड वी बिकम स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मिसेस प्रेस्टन जो थी वो बहुत इगोइस्टिक्स और सर्द मिजाज किस्म की एक औरत थी, और वो जो रूबी को है एक ऑफुल, एक बुरी, डिस्ट्रेसफुल और टेरिबल, खौफनाक किस्म की मशीन समझती थी, जो कि ग्लोरिया के लिए सही नहीं थी। और उनकी जो ऐसी परसेप्शन थी रूबी को लेके वो इसी वजह से थी क्योंकि वो फियरफुल थी या फ्राइटन थी मशीन्स को लेके, और इसी वजह से वो ऐसा सोचने पर मजबूर थी, और वो अपने टेक्नोफोबिया को एक्सप्रेस करती थी किस तरह से रूबी से रिपल्शन शो करके, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मिसेस वेस्टन को प्रॉब्लम थी रूबी से। और ग्लोरियस मदर हाउ एवर वॉज अ सोर्स ऑफ अनइजीनेस टू रूबी एंड देयर वॉज ऑलवेज द इम्पल्स टू स्नेक अवे फ्रॉम हर साइड। और जो फियर ऑफ लॉस इसमें डिपिक्ट किया गया है वो बेसिकली है सोशलाइजेशन का, कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ जो ह्यूमंस हैं सोशल स्किल्स हैं वो अनडेवलप्ड रह गई और वो सोशलाइज बीन मजीद नहीं रहे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं और टेक्नोलॉजी के बगैर ज़िंदगी का कोई तसव्वुर मुमकिन ही नहीं है। गाइस, हियर वाज ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन फ्रीली आस्क मी। टेक अ गुड केयर अबाउट योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।